नमस्ते फ्रेंड्स, मैं कनिका एंड वेलकम टू आई क्रिएशन ब्लॉग। आजकल तो मार्केट में ढेरों ऑर्गेनाइज़र या फिर ट्रे मिल ही जाते हैं, लेकिन घर पे ही रहे कुछ सामानों से हम लोग किस तरह से ट्रे या फिर ऑर्गेनाइज़र जो हम लोगों को कुछ भी ऑर्गेनाइज करने में या फिर डेकोरेशन के टाइम हमें चाहिए ही होता है तो वो बना सकते हैं, उसका मैं वीडियो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले मैं एक ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ जिसके लिए मैंने लिया है ये कार्डबोर्ड का बॉक्स जो काफ़ी दिनों से मेरे घर पे पड़ा हुआ था। पहले तो इसका चारों जो कोना है उसको ग्लू की मदद से मैं फिक्स कर रही हूँ। फिर मैं ले रही हूँ ये रैपिंग पेपर, यहाँ पे आप न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। इस रैपिंग पेपर से पहले तो मैं इस बॉक्स को पूरी तरह से कवर कर रही हूँ। देखिए, इस पेपर से बॉक्स को कवर कर लेने के बाद ही ये बॉक्स काफ़ी सुंदर दिख रहा है। अभी आप भी कोई भी कार्डबोर्ड का बॉक्स ऐसे रैप करके एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा और ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ये लेस। इस तरह का लेस इजीली मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पे मैं ग्लू के हेल्प से लेस को बॉक्स पर इस तरह से लगा रही हूँ। एक लाइन इस लेस का लगा लेने के बाद मैं और एक लाइन यहाँ पे लगाऊंगी और फिर मैं नीचे के पार्ट के लिए ले रही हूँ ये जूट ट्वाइन जो कि ग्रीन कलर में था, उसको यहाँ नीचे के पार्ट में पूरी तरह से उससे कवर कर लूँगी। जो नए नए लोग ग्लू गन का यूज़ कर रहे हैं वो लोग जब ग्लू बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो इसको हाथ से मत टच कीजिएगा। मैं यहाँ पर इस सीजर के पीछे के साइड से ट्वाइन को फिक्स कर रही हूँ क्योंकि ग्लू बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है तो हाथ में लगने का डर रहता है। और ये देखिए, हम लोगों का बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। इस ऑर्गेनाइज़र को आप अपने घर पे एज अ रिमोट ऑर्गेनाइज़र या फिर किचन में जार्स को रखने का ऑर्गेनाइज़र या फिर किचन में छोटे छोटे किचन के टॉवल्स को रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ एक ट्रे जिसके लिए मैंने ली है एक कार्डबोर्ड बॉक्स के कवर को, जिसको इस तरह से मैंने राउंड शेप में काट लिया है। फिर मैंने यहाँ पे मैक्रम का जो कॉटन कॉर्ड है उसको लिया है और कार्डबोर्ड के ऊपर इसको ग्लू से इस तरह से लगाते जाना है। तरह से रोप से कार्डबोर्ड को कवर कर लेने के बाद साइड के जो रोप है उस पर ग्लू लगा लेना है और उसके ऊपर और थोड़ा घुमाते जाना है ताकि साइड जो है वो छौरा दिखे। ट्रे को यहाँ पे छौरा कर लेने के बाद दोनों साइड पे मैं हैंडल भी मैक्रम से ही इस तरह से बना रही हूँ। और यहाँ पे हम लोगों का ट्रे भी तैयार हो गया है और डेकोरेटिव बनाने के लिए मैं यहाँ पे पॉम ग्लू से लगा रही हूँ। तो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर ट्रे बनके रेडी हो गया है। इसको मैं अपने सेंटर टेबल पे भी रख सकती हूँ। और देखिए, इस ट्रे को यहाँ सेंटर टेबल पे इस तरह से डेकोरेट करने से कितना ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है ये जगह। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये ट्रे। तो फ्रेंड्स, यही तक था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। घर पे रहिए, सेफ रहिए और मेरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। बाय बाय।